नारी शक्ति बंधन अधिनियम पर चर्चा दरमियान कोटा ने अंदर कोटा की मांगनी साथ ओबीसी महिलाओं माटे अनामत नो मुद्दो उठावायो छे। त्यारे राहुल गांधी ना आरोप नो जवाब आपता भाजप अध्यक्ष जेपी नड्डाए सवाल कर्यो के 2004 थी 2014 नी वच्चे केटला ओबीसी सेक्रेटरी रह्या हता। राहुल गांधीए लोकसभा में कह्युं हतुं के सरकार में 90 मांथी मात्र 3 केबिनेट सेक्रेटरी ओबीसी हता। महिला अनामत बिल पर चर्चा दरमियान भाजप अध्यक्ष जेपी नड्डाए राहुल गांधी ना आरोप पर सवाल कर्यो हतो के 2004 थी 2014 वच्चे केटला ओबीसी सेक्रेटरी हता अने कया हता। नड्डाए काका कालेलकर ना रिपोर्ट मंडल कमीशन 1992 मा सुप्रीम कोर्ट ना आदेश बाद 1995-96 मा ऑल इंडिया सर्विसेस मा ओबीसी एससी एसटी रिजर्वेशन मळवानु शुरू थयानु याद करावियु। काका कालेलकर की रिपोर्ट नेहरू जी के टाइम की कहां पड़ी हुई थी? मंडल कमीशन इंदिरा गांधी जी के टाइम पर, राजीव गांधी जी के टाइम पर कहां पड़ा हुआ था? क्या हुआ उसका? क्या कर पाए उसको? 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप सर्विसेज में ओबीसी को रिजर्वेशन दीजिए, और 1995-96 में एससी एसटी और ओबीसी कैटेगरी सर्विसेज में जुड़ी और ऑल इंडिया सर्विसेज में जुड़ी। अब आप बताइए कि आज सेक्रेटरी के एम्पैनलमेंट का जो कट ऑफ ईयर है वो है 1992। जो सेक्रेटरीज हैं वो 1992 बैच के नीचे के लोग हैं, पहले के लोग हैं। अब मैं आपसे पूछता हूं कि 2004 से 2014 तक कितने सेक्रेटरी ओबीसी थे और कहां थे वो ओबीसी के सेक्रेटरी, किस क्राइटेरिया में थे, जरा हमको इसका ज्ञान वर्धन की। राहुल गांधी पर कटाक्ष करता नड्डाए कह्यु के लीडर ए लीडर बनवू पड़शे, ट्विटर थी काम चालशे नहीं। देखिए मैं बार बार बोलता हूं, लीडर को लीडर बनना पड़ेगा, ट्विटर से नहीं चलता काम। ये ट्यूटर्ड स्टेटमेंट से नहीं चलता है काम, और वह भी ट्यूटर अगर कोई लीडर हो तो भी समझ में आता है। ये एनजीओ को लेकर के आ जाते हो, जिन एनजीओ को जिनको मैं आता न पता न सता, कोई चीज जानकारी नहीं, वो आपको समझाते हैं और आप बोल करके सोचो। आई वॉज शॉक्ड एंड शॉक। अरे भाई शॉक तो लगना ही था, जब पढ़ना ही नहीं पूरा तो शॉक ही लगेगा, और क्या होगा। ये परिस्थिति आकर के खड़ी होती है। नड्डाए कह्यू छे के आजाद भारत में 12 महिला मुख्यमंत्रीओ बनी चुक्या छे। राहुल गांधीए लोकसभा में कह्यू हतु के 90 सचिवों माथी मात्र 3 ओबीसी छे। तेना जवाब में भाजपे कह्यू हतु के भाजपनी सरकार में 85 एटले के 29% सांसद ओबीसी छे। भाजपना ओबीसी एमएलए 1358 माथी 365 एटले के 27% ओबीसी धारासभ्य छे। भाजपना ओबीसी एमएलसी 163 एटले के 65% छे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी।